नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रीति विश्वास और आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार है। शुक्रवार का दिन लक्ष्मी जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, व्यवसाय संबंधी आपकी यात्रा अभी आपके लिए लाभदायक रहेगी। जीवन साथी से यदि कुछ नोकझोंक चल रही है तो आपके उन्हें मनाने की पूरी कोशिश सफल होगी। जो लोग किसी से उधार लेने की सोच रहे हैं उन्हें अपने इस विचार को त्याग देना चाहिए, नहीं तो आपको उस धन को उतार पाना मुश्किल होगा। वृषभ राशि, राजनीति की दिशा में कार्यरत लोगों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि उनके शत्रु उनकी तरक्की में बाधा बन सकते हैं। आपको किसी परिजन से मदद की उम्मीद रहेगी लेकिन समय पर मदद ना मिलने के कारण आप दुखी महसूस कर सकते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में अधिकारी आज आपकी सराहना करेंगे। व्यापार कर रहे लोगों को जोश में किसी भी कार्य को करने से बचना होगा, नहीं तो वह कार्य उनका कोई बहुत बड़ा नुकसान करवा सकता है। यदि आपने पहले कभी धन का निवेश किया था तो उसका भविष्य में आपको लाभ अवश्य मिलेगा। कर्क राशि, आपके कुछ गलत लोगों की संगत हो सकती है और आपको उससे सावधान रहना होगा। कार्य क्षेत्र में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यदि माता जी को कोई शारीरिक कष्ट है तो उसमें आज सुधार होता दिख रहा है और परिवार में किसी शुभ व मांगलिक कार्यक्रम पर चर्चा हो सकती है। सिंह राशि में जो जातक हैं उनका राशिफल कहता है कि नौकरी से जुड़े जातकों को आज उनकी रुचि का कार्य मिलने की संभावना बन रही है और आपको अपने किसी परिजन से भी कोई निराशाजनक सूचना साथ ही साथ मिल सकती है। संतान की फिजूल खर्ची पर लगाम लगाने की ज़रूरत है और आपकी कोई कीमती वस्तु चोरी होने का भय बना हुआ है, इसलिए सावधानी बरतनी पड़ेगी। कन्या राशि वालों को व्यर्थ की भागदौड़ करनी पड़ सकती है जिसके कारण आपको सरदर्द, बुखार आदि छोटे मोटे स्वास्थ्य के विकार उत्पन्न होने की संभावना है। आप किसी व्यक्ति की मदद के लिए प्रयासरत रहेंगे परंतु वह व्यक्ति आपकी मेहनत को नज़रअंदाज कर देगा। यदि कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करने को मिले तो अवश्य करें क्योंकि वह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तुला राशि के जातकों के लिए किस यात्रा पर जाने की तैयारी आज की जा सकती है तो उसमें आपको अपने जरूरी सामानों को ध्यान से रखना होगा। लंबे समय से लंबित पड़े कानूनी कार्य पर ध्यान देना है, अन्यथा वह और लंबा खींच सकता है। पारिवारिक स्थिति में आज सुधार होगा। यदि धन का लेन देन करना पड़े तो बहुत ही सोच समझ कर विचार करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो लोग रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, परेशान चल रहे हैं, उन्हें कोई शुभ सूचना मिल सकती है। संतान के स्वास्थ्य में भी आज कुछ सुधार होगा और व्यापार के लिए यदि कोई निर्णय लेना पड़े तो अपने भाइयों से सलाह मशवरा अवश्य करना है। यदि आप कोई कार्य करने का विचार बना रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलती दिख रही है। धनुराशि वाले, यदि आपको कोई पुराना रोग है तो वह फिर से उभर सकता है जिसे लेकर आप चिंतित हो सकते हैं, चिंता का विषय है। आपको किसी परिजन की ओर से भी कोई निराशाजनक समाचार मिलने की संभावना है और यदि नौकरी में आपके मन मुताबिक कार्य ना मिले तो भी आपको धैर्य बनाकर कार्य करना होगा, नहीं तो आपके अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं। मकर राशि, शेयर मार्केट, सट्टेबाजी आदि में निवेश करने वालों को मन मुताबिक लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ, लाभ मिलने की संभावना ना के बराबर है, इसलिए आप अपने किसी मित्र के घर दावत आदि पर अगर जा रहे हैं तो उसी में प्रसन्नता खोजें। व्यापार में भी कुछ योजनाओं पर आप अपने पिताजी से विचार विमर्श कर सकते हैं। विद्यार्थियों को पिकनिक पर या किसी सभा में जाने का मौका मिलेगा। कुंभ राशि, आपको व्यापार में अकस्मात धन लाभ मिलने की संभावना दिख रही है और यह आपकी प्रसन्नता का कारण बनेगी। आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी लेकिन आपको ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से बातचीत करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, तभी आप सफलता हासिल कर सकेंगे। मीन राशि के जातकों के लिए
करियर में कोई बदलाव आ सकता है, जिसके कारण आपके मन में कुछ नए विचार भी आएंगे। व्यापारियों को आलोचना की ओर ध्यान न देकर अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई हर्षदायक या खुशी का समाचार सुनने को मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी, साथ ही और भी बहुत कुछ आप जान सकते हैं। तो अंक शास्त्र से चलिए जानते हैं कि आज के लिए आपका दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। अंक एक के जातक, दिन भर उत्साह बना रहेगा, यात्रा हो सकती है, खर्च भी बढ़ेंगे। नए कार्यों को शुरू करने के लिए दिन बहुत ही उत्तम है। पेट की तकलीफ हो सकती है, प्रेमी के साथ रोमांस का भरपूर आनंद उठाएंगे आज आप। शुभ अंक 33, शुभ रंग मेजेंटा। अंक दो या मूलांक दो वालों के लिए स्फूर्ति और बुद्धि के कारण रुके हुए कामों को आगे बढ़ाने वाला दिन, परिवार का सहयोग मिलता दिख रहा है और प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में रुकावटें आने के संकेत हैं। प्रेमी को खुश करने के लिए अधिक प्रयास करने की जरूरत है। शुभ अंक 9, शुभ रंग हल्का पीला। अंक तीन या मूलांक तीन वाले जो जातक हैं, आज बजट बनाकर चलेंगे तो फायदे में रहेंगे। आने वाले दिनों में खर्चे बढ़ने की संभावना है, विवाह तय हो सकता है, लेकिन आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी और आर्थिक लाभ होने की पूरी पूरी संभावना। शुभ अंक होगा 9, शुभ रंग होगा गुलाबी। अंक चार या मूलांक चार के जातक धर्म कर्म के कामों में मन लगाएंगे। अपने खर्चों का आप सही तरीके से प्रबंधन भी करने में सक्षम होंगे। अत्यधिक क्रोध भाई बहन के रिश्तों में दरार डाल सकता है, इसमें थोड़ा संयम बरतना है। शुभ अंक होगा 42, शुभ रंग होगा गुलाबी। अंक पांच या मूलांक पांच के जातक सेहत सुस्त हो सकती है, पैर के दर्द के कारण कमजोरी महसूस हो सकती है, परीक्षा में भी सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, मेहनत अधिक करना होगा, धन का ध्यान पूर्वक प्रयोग करें, ज्यादा फायदे के चक्कर में नुकसान भी हो सकता है, सावधानी बरतें। शुभ अंक होगा 3, शुभ रंग होगा केसरिया। अंक 6 या मूलांक 6 के जातक मन अशांत रहेगा, मन की शांति के लिए भगवान का ध्यान करें या कोई अच्छा कार्य करने का प्रयास करें। व्यर्थ की वस्तुओं में खर्चा हो सकता है, पति पत्नी के बीच आपसी तालमेल में भी कमी रहेगी। शुभ अंक होगा 10 और शुभ रंग होगा हल्का नीला। अंक 7 या मूलांक 7 के जातक महिलाओं के लिए तो आज का दिन शुभ रहेगा, इससे वास्तु दोष भी दूर होंगे और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। प्रेमी के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिल सकता है और विद्यार्थियों के लिए शुभ दिन है, व्यर्थ की वस्तुओं में खर्च हो सकता है। शुभ अंक होगा 2, शुभ रंग होगा भूरा। अंक 8 या मूलांक 8 के जातक विवाहित जीवन में अनबन दिख रही है, जमीन जायदाद से भी फायदा मिलने की संभावना बन रही है और ऑफिस से या फोन आपकी दिनचर्या बदल सकता है। मित्र से बातचीत करें, मन हल्का होगा। शुभ अंक होगा 25, शुभ रंग होगा हरा। अंक 9 या मूलांक 9 के जातक जोश और ऊर्जा से भरे रहेंगे, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना है। निर्णय लेने से पहले जांच लें, आपके रुतबे से लोग प्रभावित होंगे और सम्मान भी मिलेगा। व्यापारिक यात्रा से फायदा होगा, कोई नया व्यवसाय शुरू करने की सोच सकते हैं। शुभ अंक होगा 11, शुभ रंग होगा लेमन। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार सितंबर 29, 2023 शुक्रवार भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:21 पर, सूर्यास्त शाम 6:13 पर, चंद्रोदय 29 सितंबर शाम 6:23 पर, चंद्रास्त 30 सितंबर सुबह 7 बजे। तिथि शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 28 सितंबर शाम 6:49 से 29 सितंबर दोपहर 3:27 तक, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा 29 सितंबर दोपहर 3:27 से 30 सितंबर दोपहर 12:21 तक, नक्षत्र उत्तर भाद्रपदा 29 सितंबर रात 1:48 से 29 सितंबर रात 11:18 तक, रेवती 29 सितंबर रात 11:18 से 30 सितंबर रात 9:08 तक, करण बव 29 सितंबर सुबह 5:07 से 29 सितंबर दोपहर 3:27 तक, बालव 29 सितंबर दोपहर 3:27 से 30 सितंबर सुबह 1:52 तक, कौलव 30 सितंबर रात 1:52 से 30 सितंबर दोपहर 12:21 तक, योग वृद्धि 28 सितंबर रात 11:54 से 29 सितंबर रात 8:03 तक, ध्रुव 29 सितंबर रात 8:03 से 30 सितंबर
शाम 4:27 तक। अशुभ काल राहु सुबह 10:48 से दोपहर 12:17 तक। यमगण दोपहर 3:15 से शाम 4:44 तक। कुलिक सुबह 7:50 से सुबह 9:19 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 8:43 से सुबह 9:31 तक एवं दोपहर 12:41 से दोपहर 1:28 तक। वर्ज्यम का समय सुबह 10:13 से सुबह 11:40 तक। आइए जाने शुभकाल के मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:41 तक। अमृतकाल शाम 7 से रात 8:26 तक एवं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से सुबह 5:33 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज़ में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप का पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है। आपको बता दें, शुक्रवार के दिन व्रत रखना बेहद ही शुभ होता है। श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं इस व्रत से पूरी होती है। इसके साथ ही उन पर देवी माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। माता का दुर्गा देवी नाम दुर्गम नाम के महान दैत्य का वध करने के कारण पड़ा। माता ने शताक्ष स्वरूप धारण किया और उसके बाद शाकंभरी देवी के नाम से विख्यात हुए। शाकंभरी देवी ने ही दुर्गमासुर का वध किया, जिसके कारण वे समस्त ब्रह्मांड में दुर्गा देवी के नाम से भी विख्यात हो गए। यह देवी कोलकाता के महाकाली के नाम से विख्यात और सहारनपुर के प्राचीन शक्तिपीठ में शाकंभरी देवी के रूप में ही पूजी जाती है। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं माँ दुर्गा की पूजा विधि से। शुक्रवार का दिन माँ दुर्गा का दिन है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा करने और उनके मंत्रों का जाप करने का विशेष महत्व होता है। आप शुक्रवार के दिन का आरंभ ओम श्री दुर्गाय नमः के जाप के साथ करें। माँ दुर्गा का यह मंत्र माँ लक्ष्मी, सरस्वती और काली तीनों शक्तियों की उपासना के लिए है। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में दुर्गा जी की मूर्ति या प्रतिमा रखें। शुक्रवार को सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सबसे पहले तांबे के पात्र में माता दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें। पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ होता है। यदि पूर्व दिशा में मुख करना संभव न हो तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। पूजा के दौरान उन्हें कुमकुम, अष्टगंध, अक्षत, दीपक, धूप, दक्षिणा, पुष्प, श्रीफल आदि अपनी क्षमता अनुसार अर्पित करें। उन्हें हलवा पूरी प्रसाद के रूप में अर्पित करें। माँ को उनका प्रिय पुष्प लाल गुड़हल जरूर अर्पित करें, जिसके बाद घी या तेल के दीपक जलाकर आरती करें। देवी दुर्गा के स्वयं कई रूप हैं। मुख्य रूप उनका गौरी है, अर्थात शांतमय, सुंदर और गोरा रूप। विभिन्न रूपों में माँ दुर्गा भारत और नेपाल के कई मंदिरों और तीर्थ स्थानों में पूजी जाती है। भगवती दुर्गा की सवारी शेर है। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख मंदिरों के बारे में। वैष्णो देवी मंदिर जो है जम्मू और कश्मीर में। भारत में विश्व प्रसिद्ध और सबसे धार्मिक स्थल वैष्णो देवी का मंदिर जो जम्मू और कश्मीर के त्रिकुटा पहाड़ियों पर 5,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माता वैष्णो देवी का यह पवित्र मंदिर एक पहाड़ी के अंदर गुफा में स्थित है। यह सबसे पवित्र हिंदू धर्म स्थल में से एक है। शारदा माता मंदिर मध्य प्रदेश में। मैहर की शारदा माता मंदिर यह बहुत ही पवित्र मंदिर है और यहाँ की देवी माँ 51 शक्ति पीठों में से एक है। बिजसन देवी जो है सकलतपुर में। मध्य प्रदेश में माता रानी की कुछ और भी बहुत लोकप्रिय मंदिर हैं, जैसे कि बिजसन देवी सकलनपुर,
यह मंदिर एक पहाड़ी पर बनी हुई है। अंबाजी मंदिर गुजरात। अंबाजी माता का मंदिर गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू के पास स्थित अंबाजी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों में से एक है। यह मंदिर गुजरात में मां अंबा माता और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल को समर्पित है। अंबाजी मां मंदिर पवित्रतम तीर्थ स्थानों में से एक है और भारत का एक प्रमुख शक्तिपीठ है। वैसे तो मां दुर्गा की 108 नाम है जिनके जाप मात्र से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं उनके 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को। भवानी अर्थात ब्रह्मांड के निवास, भवमोचनी अर्थात संसार बंधनों से मुक्त करने वाली, दुर्गा अपराजय, जया विजयी, त्रिनेत्र अर्थात तीन आंखों वाली, पिनाकधारिणी शिव का त्रिशूल धारण करने वाली, चित्रा सुरमैया सुंदर, महातपा अर्थात भारी तपस्या करने वाली, बुद्धि अर्थात सर्वज्ञाता, भव्या अर्थात कल्याण रूपा या फिर भव्यता के साथ, वन दुर्गा अर्थात जंगलों की देवी या वन शंकरी या फिर शाकंभरी, माहेश्वरी प्रभु शिव की शक्ति, इंद्री अर्थात इंद्र की शक्ति, चामुंडा अर्थात चंड और मुंड का नाश करने वाली। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख अस्त्रों के बारे में। सभी अस्त्र अपने आप में एक रहस्य के रूप में है। त्रिशूल, माँ दुर्गा को त्रिशूल भगवान शिव ने भेंट किया था। त्रिशूल में 300 सत्व तमस और रजगुणों का प्रतीक है जिनके संतुलन से ही सारे सृष्टि टिकी हुई है। महिषासुर का वध माँ ने इसे त्रिशूल से किया था। तलवार, माँ दुर्गा को तलवार भगवान गणेश ने प्रदान किया था। माँ दुर्गा की तलवार की धार बुद्धि के तीक्ष्णता का और उसकी चमक का ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। भाला, अग्निदेव के द्वारा माँ को उपहार में दिया गया, यह उग्र शक्ति और शुभता का प्रतीक है। यह सही और गलत का भेद भी करता है। वज्र, वज्र की शक्ति का उपहार माँ को इंद्रदेव ने दिया था। यह आत्मा की दृढ़ता मजबूत इच्छा शक्ति का प्रतीक है। देवी दुर्गा अपने भक्तों को आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति का वरदान देती है। सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु ने माँ दुर्गा को अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया था जो कि सृष्टि केंद्र है। ब्रह्मांड इसके इर्द गिर्द घूमता है। धनुष, धनुष और बाण माँ दुर्गा को पवन देव और सूर्यदेव द्वारा दिए गए जो कि ऊर्जा के प्रतीक। धनुष ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, वही तीर या बाण गतिज ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। शंख, माँ दुर्गा को शंख वरुण देव ने प्रदान किया है। माँ दुर्गा के शंख की ध्वनि मात्र से ही सैकड़ों असुरों का नाश हो सकता है। शंख का नाद नकारात्मकता को दूर करता है। आइए अब हम जानते हैं शुक्रवार को पूजी जाने वाली धन की देवी भगवान विष्णु की प्रिय माँ लक्ष्मी की पूजा विधि। शुक्रवार के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा के वक्त सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनना शुभ होता है। इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात्रि होता है। माँ लक्ष्मी की उस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो, इसके साथ ही उनके हाथों में धन बरस रहे हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प विशेषकर कमल चढ़ाना सर्वोत्तम होता है। शास्त्रों में माँ लक्ष्मी को धन धान्य संपदा वैभव की देवी माना जाता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर वह प्रसन्न होती है। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की उपासना करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि और धन की देवी है। लक्ष्मी माता के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी रख सकते हैं। लक्ष्मी माता का व्रत रखने से सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। आज के दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा करने पर माता की कृपा हमेशा व्यक्ति पर बनी रहती है। इसके साथ ही व्यक्ति को सुख समृद्धि और शांति भी मिलती है। माँ लक्ष्मी की महिमा को तो हम सभी जानते हैं। माँ लक्ष्मी का हर रूप विभिन्न कामनाओं को पूरा करने वाला है। इनके हर रूप की पूजा करने से व्यक्ति को असीम संपदा और धन की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इनके 8 रूपों के बारे में। पहला रूप आदि लक्ष्मी या महालक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का पहला स्वरूप आदि लक्ष्मी है। यह ऋषि भृगु की बेटी के रूप में है। पुराण के अनुसार महालक्ष्मी ने ही त्रिदेवों को प्रकट किया है और इन्हीं से ही महाकाली और महासरस्वती ने आकार लिया।
जीव जंतुओं को प्राण प्रदान करने वाली आदि लक्ष्मी ही है। इनसे जीवन की उत्पत्ति है। आदि लक्ष्मी अपने सभी भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति कराती है। दूसरा रूप धन लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का दूसरा रूप धन लक्ष्मी जो व्यक्ति को धन और वैभव से परिपूर्ण कराती है। भगवान कुबेर से भगवान विष्णु ने धन उधार लिया था जिसे वो समय पर ना चुका पाए थे। तब धन लक्ष्मी ने ही विष्णु जी को कर्ज से मुक्त करवाया था। इनके पास धन से भरा कलश मौजूद है। इनके एक हाथ में कमल है। इनकी पूजा से आर्थिक परेशानियों और कर्ज से मुक्ति मिलती है। तीसरा प्रमुख रूप धन्य लक्ष्मी। धन्य का अर्थ अनाज होता है। धन्य लक्ष्मी अनाज की दात्री है। इन्हें माता अन्नपूर्णा का भी रूप माना जाता है। इस रूप में माँ लक्ष्मी अन्न की देवी के रूप में विराजमान होती है। धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है कि कभी भी अन्न की बर्बादी ना करें। जिन घरों में अन्न का निरादर नहीं होता वहीं अन्न का भंडार रहता है। चौथा प्रमुख रूप गज लक्ष्मी। इस रूप में गज लक्ष्मी कमल पुष्प के ऊपर हाथी पर विराजमान है। इन्हें कृषि और उर्वरता की देवी भी कहा जाता है। इन्होंने भगवान इंद्र को सागर की गहराई से उनके खोए नग को वापस हासिल करने में मदद की थी। इन्हें राजलक्ष्मी भी कहा गया है क्योंकि ये राज को समृद्धि प्रदान कराती है। जो लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं और जिनकी संतान की इच्छा है उन्हें इनकी पूजा करनी चाहिए। पांचवा प्रमुख रूप संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का पांचवा स्वरूप। यह बच्चों और अपने भक्तों को लंबी उम्र प्रदान करने का रूप है। इनका स्वरूप स्कंद माता जैसा है। इनकी चार भुजाएं हैं जिनमें दो भुजाओं में कलश धारण और बाकी दो भुजाओं में तलवार और ढाल है। इनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वीरा लक्ष्मी। वीरा लक्ष्मी वीरों और साहसी लोगों की आराध्य है। यह अपने भक्तों को युद्ध में विजय प्रदान कराती है। इनकी आठ भुजाएं हैं जिनमें इन्होंने अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं। वीरा लक्ष्मी व्यक्ति को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति कराती है। सातवां प्रमुख रूप विजया लक्ष्मी या जया लक्ष्मी। विजया का अर्थ जीत होता है। देवी का यह स्वरूप जीत का प्रतीक है। इन्हें जया लक्ष्मी भी कहा जाता है। विजया लक्ष्मी ने लाल साड़ी पहनी है और एक कमल पर बैठी हुई है। माँ अष्टभुजी है और व्यक्ति को अभय प्रदान करती है। आठवां प्रमुख रूप विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी ज्ञान की देवी है। माँ का यह रूप हमें ज्ञान कला और विज्ञान की शिक्षा प्रदान करता है। विद्या लक्ष्मी ने सफेद साड़ी पहनी हुई है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों की धन से जुड़ी हर तरह की समस्याएं दूर करती है। देवी साधकों को यश और कीर्ति देती है। आइए जानते हैं इनकी पूजा मात्र से किन किन फलों का लाभ होता है। इनकी पूजा से केवल धन ही नहीं बल्कि नाम यश की भी प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से दाम्पत्य जीवन भी बेहतर होता है। विधिवत लक्ष्मी जी की पूजा की जाए तो आपके जीवन में जुड़ी धन से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। आइए जानेंगे माँ लक्ष्मी की पूजा के कुछ विशेष नियम। माँ लक्ष्मी की पूजा सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात्रि। माँ लक्ष्मी की उस प्रतिकृति की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो। इसके साथ ही उनके हाथों से धन बरस रहा हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प विशेषकर कमल चढ़ाना शुभ होता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फट की माला से करने पर वह तुरंत प्रभावशाली होता है। माँ लक्ष्मी के विशेष स्वरूप है जिनकी उपासना शुक्रवार के दिन करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। आइए हम जानते हैं माँ संतोषी की व्रत विधि। माँ संतोषी प्रेम संतोष क्षमा खुशी और आशा की प्रतीक मानी जाती है। लगातार 16 शुक्रवार तक माँ संतोषी की पूजन करने से भक्तों के जीवन में शांति और समृद्धि आती है। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी को समर्पित है। जैसे माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है ठीक उसी प्रकार शुक्रवार को माँ संतोषी की भी पूजा की जाती है। सुख सौभाग्य की कामना से संतोषी माँ की 16 शुक्रवार तक व्रत किए जाने का विधान है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफाई इत्यादि पूर्ण कर ले। स्नान आदि के बाद घर में किसी पवित्र जगह पर माता संतोषी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनके सम्मुख जल से भरा कलश रखें और उसके ऊपर एक कटोरी गुड़ चना भरकर रखें। माता के समक्ष
घी का दीपक जलाएं, फिर अक्षत, फूल, इत्र, श्रीफल, लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करें। देवी माँ को गुड़ चने का भोग लगाएं और कथा पढ़कर आरती करें। कथा समाप्त होने पर हाथ रखे हुए चने और गुड़ को गाय को खिला दें और कलश पर रखे गुड़ चने का प्रसाद सभी को बांटें। कलश के जल को घर में सब जगह छिड़क दें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। ध्यान रहे, इस व्रत को करने वालों को ना तो खट्टी चीजें खानी चाहिए और ना ही हाथ लगानी चाहिए। इसके व्रत मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इनकी पूजा से आपकी पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। आज बस इतना ही, कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के सातों दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं के पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।